अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर, वी नो वन थिंग, दैट इज एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल मैटर, राइट? और मैटर जी क्या चीज है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। और मैटर की जो तीन स्टेट्स हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? हर जी स्टेट के अंदर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जब हम उसकी बेसिक एंटिटी को देखते हैं तो हमें उसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही नजर आता है, एटम ही हमें मिलता है, ठीक है? और एटम यानी कि जितने हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एटम से मिलके बने, और हर एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट है, ठीक है? टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118। जी अच्छा, अब किसी भी एलिमेंट को अगर हम देखते हैं, किसी भी एलिमेंट को, चाहे एटॉमिक नंबर 1 वाला हो या एटॉमिक नंबर 20 वाला हो, उसके अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें मिलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एटम के सेंटर के अंदर, सेंटर पार्ट है, ठीक है? सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स विच आर इवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और जिस रास्ते में, जिस पाथ पे वो रिवॉल्व कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल। इन तीन में से कोई भी एक नाम आप उसको कह लो, ठीक है? नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है? और जी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे पास ऑर्बिट के अंदर, और ये सर्कुलर वे में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, यानी कि अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो डिफरेंट है। लाइक प्रोटॉन मास 1 है, इलेक्ट्रॉन 1/1840 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। न्यूट्रॉन का 1 मास होता है। चार्ज की बात करें, प्रोटॉन +1, इलेक्ट्रॉन -1, एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, राइट? एंड दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैंने उस दिन बताया भी था क्लास में कि ये टेबल जहन में रखना है, ठीक है? जी नाउ हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एटम्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी एटम हैज अ डेफिनेट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है? प्रोटॉन नंबर किसी भी एलिमेंट का उसका एटॉमिक नंबर होता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। स्मॉल नंबर इज ऑलवेज अ प्रोटॉन नंबर। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियॉन नंबर या एटॉमिक मास, जो कि किसी भी एलिमेंट का बिग नंबर होता है। एवरी एटम हैज अ यूनिक प्रोटॉन नंबर, और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दैट मींस उसका न्यूट्रॉन नंबर, सॉरी, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है। न्यूक्लियॉन नंबर में वेरी, एंड दैट न्यूक्लियॉन नंबर यानी कि जो एटॉमिक मास होता है वो वेरिएट करता है, किसकी वजह से? न्यूट्रॉन्स की वजह से। नाउ दैट्स योर आइसोटोप। अब्दुल्ला साहब, खास तौर पर आपके लिए, एटम्स ऑफ सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूक्लियॉन, या सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, क्या कहलाएंगे ये? आइसोटोप्स कहलाएंगे, एंड ओके दीज आर दी आइसोटोपिक फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एग्जाम्पल के तौर पे, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। इन सब के मैसेस डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक जी नंबर सबके सेम है। तो आइसोटोप्स का जो फंडामेंटल कैरेक्टर है, वो फंडामेंटल कैरेक्टर बेस किसके ऊपर करता है? न्यूट्रॉन्स के ऊपर बेस करता है, ठीक है? और पेपर में ये डेफिनेशन आती है, बहुत फ्रीक्वेंट आती है, रिलेटेड अबाउट आइसोटोप्स। इज देयर एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नो सही। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड देयर प्रॉपर्टीज, सो फर्दर वी कंटिन्यू दैट प्रोटॉन नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, बिकॉज प्रोटॉन नंबर रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन नंबर कंट्रीब्यूट्स टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन
न्यूट्रॉन नंबर की वजह से आइसोटॉपिक फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन एवर वी टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज या बॉन्डिंग, उसका ताल्लुक किससे, इलेक्ट्रॉन्स है। अब चाहे वो बॉन्ड हमारा आयोनिक हो या कोवेलेंट हो, बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास एलिमेंट होगा, ठीक है, मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं अपना बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है जी। नाउ अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स आर दो सर्किल्स, ठीक है। एनर्जी लेवल्स आर दो सर्किल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इवॉल्विंग, ठीक। अब ये जो मैंने कल भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर अकोमोडेट होते हैं और इनकी कैपेसिटी कैलकुलेट की जाती है विद द फॉर्मूला 2n², ठीक। अच्छा, अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास जो लास्ट शेल होता है, दैट वी कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल या वैलेंस शेल, जहां से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, गेन होते हैं या ट्रांसफर होते हैं बॉन्डिंग के लिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, वैलेंस शेल में या तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, गेन होगा या शेयर होगा बॉन्डिंग के लिए, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट वी कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली केमिकल बॉन्ड या केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सोडियम और हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो सोडियम हाइड्राइड बनता है। तो ये जब हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद जब वो नया प्रोडक्ट बनाएगा, नया केमिकल कंपाउंड बनाएगा, तो वहां पर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा और वो केमिकल रिएक्शन बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्ट्रीब्यूशन से जनरेट होगा। और उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है। Okay. अब जो मैंने भी बात कही कि नेचर ऑफ द बॉन्ड डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि अब नेचर जो होगा बॉन्ड का, वो हमें डिसाइड करके बताएगा कि हमारे पास जो भी एलिमेंट है वो मेटल है, नॉन मेटल कंबाइन हुए या उनकी फॉर्मेशन क्या होगी। Got it? जी। Now that's we're talking about the forms of matter. अब्दुल्ला स्पेशली गौर से सुनो, ये एलिमेंट क्या चीज है? अ सब्सटेंस having same atomic number or you can say having same kind of atoms, ये एक element है, ठीक है, जिसमें सारे elemental components same होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है जिसमें इस तरह की डायग्राम बनी होती है, and then we have to identify ये element है या नहीं है। We have 118 elements in the periodic table, इसमें से कुछ मैं यहां नाम लिखे, हाइड्रोजन, आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, नियॉन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, लेड हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकते हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट के नाम है। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स सब्सटेंस विद डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स बट नॉट कंबाइंड केमिकली, ये मिक्सचर्स की शक्ल होती है। एंड वी कैन सेपरेट मिक्सचर्स बाय यूजिंग सिंपल फिजिकल मेथड्स, डिपेंड अपॉन द नेचर। अब वो फिल्ट्रेशन भी हो सकता है मेथड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, इफ यू वॉन्ट टू सेपरेट सॉलिड वन फ्रॉम द लिक्विड। अगर दो लिक्विड हैं और दोनों मिसेबल लिक्विड हैं, देन वी विल गो फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। रिमेंबर द लास्ट क्लास वी डिड। सिमिलरली कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड आर द सब्सटेंसेस विद डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स That half combined chemically. अगर उनको तुम chemically combine करोगे, यानी कि दो चीजें आपने मिलाई, मिला के एक नया product बना लिया और उनको वापस से आप अलग अलग नहीं कर सकते या separate नहीं कर सकते। Like once we burn coal, we produce carbon dioxide. अब उस carbon dioxide को अगर हम एक jar में collect कर लें, so we cannot get back the carbon, we cannot get back the oxygen. Without any particular significant method,
वहां में हम डिस्टिलेशन या फिल्ट्रेशन के जरिए कार्बन ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते. एक दफा मिल गए, नया प्रोडक्ट बन गया, दैट्स इट. ठीक है, अब देखो इन तीनों की शक्लों को जरा गौर से देख लो. एलिमेंट कैसा है, सेम टाइप के हैं. मिक्सचर्स कैसे हैं, पार्टिकल्स इसके अंदर अलग अलग हैं, लेकिन ये आपस में कंबाइंड नहीं है, मिले हुए नहीं है, जुड़े हुए नहीं है. कंपाउंड्स के अंदर केमिकली कॉम्बिनेशन के बाद ये आपस में एक दूसरे की शक्ल को क्या कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं, प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं. हर चीज यहां पर क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है. ठीक है जी. नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर वन माइक्रो मॉलिक्यूल्स. माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, स्मॉल. ठीक है, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स तकरीबन हर मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल गैस है, ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक आयोडीन, दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स. सल्फर माइक्रो मॉलिक्यूल, मीथेन गैस इट्स अ कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन माइक्रो मॉलिक्यूल. सो ऑल दीज कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स. All these molecules are covalent in nature. Covalent mean they have to share their electrons. These molecules are attracted with weak forces. अच्छा, अगर ये नाम van der Waals याद ना रहे, दोनों सुनिएगा please. अगर ये नाम van der Waals याद ना रहे तो you can only write weak intermolecular forces. Van der Waals forces are also called intermolecular forces. ये नाम तो सुना है ना, टर्म सुनी है, intermolecular forces. तो molecules जो होते हैं, in between we have intermolecular forces. ठीक है, molecules की जो forces होती है that we called intermolecular forces. ये टर्म याद रखिएगा. They have low melting and low boiling points and they may exist as gases, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड. सॉफ्ट सॉलिड यहाँ पे हम ले सकते हैं सल्फर को जो येलो कलर का होता है, वैक्सेस को जो कैंडल्स में यूज होती है वैक्सेस. ठीक है, ये सारे सॉफ्ट सॉलिड्स हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी इतना ज्यादा नहीं होता. गैसेस की बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास है. ठीक, मेनली गैसेस की एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है. तो नंबर ऑफ गैसेस वी हैव. और लिक्विड्स में बहुत कॉमन एग्जांपल सबसे है हमारे पास वाटर की, H2O. ठीक है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है. पेट्रोल माइक्रो मॉलिक्यूलर है. सो वी हैव मल्टीपल काइंड जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, हर तरह की चीजें शामिल है इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, याद रहेगा. After the micromolecule, we go with macromolecule. Macro कहते हैं बड़े को. अच्छा, macro की हमारे पास major, वैसे तो बहुत सारे examples हैं, but we will learn only three examples, जो कि हमारे course में भी हैं. जिसमें पहला diamond है, and this is diamond tetrahedral structure, three dimensional structure. दूसरा है graphite, ये कुछ hexagonal layers में होता है. और एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है. डू यू नो के जब हम पेंसिल से कंटिन्यू लिख रहे होते हैं तो पेंसिल की जो टिप होती है वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होती जाती है, मोटी होती जाती है. क्यों? और फिर उसे हमें शार्प करना पड़ता है. अगर हम उसको शार्प ना करें तो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लेयर्स. ये जो आपको दो तीन हेक्सागोन्स के बीच में लाइन नजर आ रही है ब्लैक कलर की, ये लाइंस बेसिकली क्या होती है, ये वही लाइंस है जिसको अभी हमने पीछे डिस्कस किया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यानी कि दो आपके पास हेक्सागोन्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि इन लाइंस को जनरेट करती है.
सो डायमंड हैज टेट्राहेड्रल, ग्रेफाइट हैज हेक्सागोन स्ट्रक्चर यूनिट, ईच कार्बन इन डायमंड हैज फोर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, बट इन ग्रेफाइट थ्री स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड वन वीक बॉन्ड। ठीक है, ग्रेफाइट में आपके पास तीन कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो फिक्स होती है, जबकि डायमंड में ऑल फोर। डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, जबकि ग्रेफाइट का टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो होता है। वजह क्या है कि डायमंड का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा डोमिनेट है। ठीक है, डायमंड इज सो हार्ड एंड इट इज यूज्ड इन कटिंग टूल्स, स्पेशली जो ग्लास की जो कटिंग होती है ना, ग्लास की जो जी कटिंग होती है उस वो डायमंड से होती है। अगर घर में कभी ग्लास का काम हुआ हो तो ग्लास काटने वाला जो होता है उसके बाद एक छोटी सी एक चीज होती है जिसके ऊपर एक बहुत छोटा सा डायमंड का पीस लगा होता है। वो डायमंड खैर इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, दैट वी यूज एज अ ब्लैक डायमंड, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी सारी सेम होती है। अच्छा, वन मोर थिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट और डायमंड ये दोनों कार्बन के बने होते हैं। ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर मेड ऑफ कार्बन। ओके ठीक है, अब इनकी फिजिकल जी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। डायमंड एक बहुत प्रीशियस किस्म की चीज है, जबकि ग्रेफाइट पेंसिल के निब वगैरह में यूज होता है, चीप है। तो दोनों लेकिन एक ही एलिमेंट के बने हुए हैं, तो ऐसी चीजों को जो कि एक ही एलिमेंटल बेस्ड हो, एक ही एलिमेंट से बनी हो, उनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स, यानी कि डायमंड एलोट्रॉप्स। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर मेड ऑफ कार्बन। ठीक है, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। सो डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एलोट्रॉप्स हैं। राइट, तो ये टर्म याद रखिएगा, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप दो ऐसी दो से ज्यादा चीजें जो कि एक ही एलिमेंट की बनी हो, जिनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। तो डायमंड, ग्रेफाइट। अच्छा, इनके अलावा और भी एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, जिसमें हम कहते हैं कोल, चारकोल। ये चारकोल हम यूज करते हैं ना बारबेक्यू बनाने के लिए, कोयला जिसको तुम लोग कहते हो, जी दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ कार्बन। वो भी डायमंड ग्रेफाइट की तरह कार्बन का ही एक दूसरा फॉर्म है, दैट इज ऑल्सो एलोट्रॉप। अनदर एग्जाम्पल फॉर द मैक्रोमोलिक्यूल वी जनरली कंसिडर एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। राइट, सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल इन शेप, और इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एज वेल। बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगेन द सेम रीजन, इन द सिलिकॉन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर ऑल द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन एटम्स आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। दैट मीन्स देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव थ्रू द स्ट्रक्चर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डिफरेंसेस हैं मैक्रो और माइक्रो के भी, डिस्कस अभी हमने किए। इसके अलावा वे डिस्कस वन मोर थिंग, और वो है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट ऑफ एलोट्रॉपी। मीन वेल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड मेटालिक बॉन्डिंग इंशाल्लाह। सो टिल देन टेक केयर, दैट्स इनफ फॉर टुडे। दिस इज डॉक्टर नजम साइनिंग आउट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।